स्क्वायर रूट ऑफ 9 अभी हम सीखेंगे फाइंड करना। इस वीडियो को पूरा देखना। चलिए हम शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम अपना लॉन्ग डिवीजन मेथड काम में ले सकते हैं और ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर को का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम अपना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी काम में ले सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, इसको आपके प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। देखिए 1 से 10 तक, 11 से 20 तक, ये आपके प्राइम नंबर होते हैं, आगे ऐसे चलते रहते हैं। देखिए 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, कंप्लीट डिवाइड। 3 से डिवाइड हो रहा है, कितने टाइम? 3 टाइम। 3 अगेन 3 से कितने टाइम? 1 टाइम डिवाइड हो रहा है। तो 9 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया आपके? 3 × 3 आ गया। तो यहाँ पे अनरूट क्या होता है दोस्तों, जो आपके प्राइम फैक्टर आए हैं इनका, इनके जोड़े में से एक लेना है। तो यहाँ पे 3 × 3 से कितना आ गया? इसके जोड़े में से एक लिया तो आपको, यानी इसके जोड़े में से जो संख्या का आपने ग्रुप बनाया है उस ग्रुप में से उस संख्या को एक बार लिखना है। आगे जो ग्रुप होता है उसके मल्टीप्लाई में आता जाता। ओके, ऐसे समझ लो। यहाँ पे इसका मतलब क्या है? 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 9 का मतलब क्या है? 3 का स्क्वायर। अनरूट और स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाता तो कितना आ जाता है? 3 आ जाता है। ओके, तो ये होता है आपका स्क्वायर रूट ऑफ 9। दूसरा मेथड भी है, हमने उसकी भी बात की है बहुत से वीडियो में, आपके लॉन्ग डिवीजन मेथड की। उसको चैनल पे जाके देख लें और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है बहुत सारे वीडियो को, उनको भी जाकर देख लें।